अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स व्लॉग। अच्छा, ये वाला जो मेरा पेयर है, ठीक है बच्चे, इसका आज हम इसकी प्रोग्रेस शेयर करेंगे आपके साथ कि मेरे इस वाली हंडिया में जो है कितने एग्स हैं जो बर्ड्स ने ले किए हैं, और ये वाली जो हंडिया है इसमें बर्ड्स ने जो है एग ले किए हैं। अच्छा, ये वाला केस जो है ये पूरा एक ही है, ठीक है, इसमें कोई सेपरेट पोर्शन नहीं किया हुआ मैंने। ये आप देख सकते हैं मेरे बर्ड्स जो हैं आराम से यहाँ से वहाँ तक फ्लाइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने इनको अच्छा केस दिया हुआ है बड़े साइज़ का, ताकि ये आराम से फ्लाइंग कर सकें। तो चले आए, चलते हैं और देखते हैं कि बर्ड्स में जो है कितने कितने एग्स ले किए हुए। अच्छा, इससे पहले मैं ये बताऊं कि इस वाले पेयर ने मेरे पास फर्स्ट टाइम ब्रीड की है, ठीक है। ये वाला जो दूसरा पेयर देख रहे हैं आप वाइट वाला, जिसके ये वाली हंडिया है, ठीक है, ये वाली मटकी है, इसमें भी एग्स हैं, मगर इसने भी फर्स्ट टाइम ब्रीड की है। यानी दोनों पेयर्स ने मेरे पास फर्स्ट टाइम ब्रीड की है। इसका जो है मैंने फार्मूले दिए थे इनको, ठीक है, तो फार्मूले से माशाल्लाह से बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट आया है, और फौरन जो है ये पेयर लग गए थे ब्रीड के लिए, ठीक है। तो दोनों में ही एग्स हैं, तो चले आएँ चलते हैं और देखते हैं। अच्छा, पहले इस वाली फ़ीमेल का देख लेते हैं कि इस वाली फ़ीमेल ने कितने एग्स ले किए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, इसमें जो है मेरे ख़्याल में 4 एग्स ले किए हुए हैं, ठीक है। इसका जो है अभी 1 हफ़्ता हुआ है, तो इसकी हम बहुत जल्दी जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि इसमें जो है फर्टाइल है या अनफर्टाइल है। अच्छा, इसको भी मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ आपको, इसमें भी जो है एग्स आए हुए हैं, ठीक है। इसमें भी मेरे ख्याल में 3 एग्स या 4 एग्स जो है मेरे ख्याल में शायद एक आगे पीछे हुआ हुआ है, तो वो इसने ले किए हुए हैं, जो कि ये वाला पेयर है, ठीक है, इस वाले पेयर ने दिए। अच्छा, ये वाला जो है ये वाले पेयर ने 4 एग्स ले किए हुए। तो इन दोनों की जो है ये फर्स्ट ब्रीड है मेरे पास। मैंने इनको फार्मूला दिया था, तो ये माशाल्लाह से वो फार्मूला जो है फौरन ही काम कर गया बच्चेस पर। अच्छा, इनकी जो है फर्टिलिटी और अनफर्टिलिटी जो है हम चेक कर सकते हैं 8 से 10 दिन में। वैसे तो हफ्ते भर में पता चल जाती है कि एग्स जो है वो फर्टाइल है या अनफर्टाइल है, मगर फिर भी हम थोड़ा सा टाइम जो है ऊपर लेते हैं, यानी 2-4 दिन हमें ऊपर चाहिए होते हैं ताकि कन्फर्म पता चल जाए। तो अभी जो है 2-3 दिन बाद मैं इनको चेक करूँगी कि फर्टाइल है या अनफर्टाइल है, तो इसकी जो है प्रोग्रेस मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। अच्छा, इसको जो है अभी हम सीड्स दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं हफ्ते में, यानी कि हफ्ते में 3 बार जो है जब इसमें चिक्स आ जाएंगे, तो उसमें मैं एग फूड प्रोवाइड करूँगी। अच्छा, एग फूड जो है वो जब चिक्स आ जाते हैं तो उनके लिए बहुत बेहतरीन होता है, ज़बरदस्त होता है। सॉफ्ट फूड दें बर्ड्स को, ठीक है, इससे ये है। या इसके अलावा थोड़े से आप राइस भी दे सकते हैं, ठीक है, हफ्ते में 1 दफ़ा राइस दे दिए। इसके अलावा जो है सॉफ्ट फूड जो है आराम से खा सकें, ईज़िली सेब वगैरह आप इनको डाल सकते हैं। सीड्स का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है, क्योंकि जब चिक्स आ जाएंगे उसके बाद। अच्छा, इसके अलावा जो है सॉफ्ट फूड आप हफ्ते में 3 दफ़ा प्रोवाइड कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। या आप यूँ भी कर सकते हैं कि सॉफ्ट फूड बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी आप फीड डालकर दे दें, क्योंकि जब ये पेयर खाएगा, ठीक है, उसमें फीड मिली हुई होगी, तो यकीनन वो जाके चिक्स को भी फीड कराएगा, उससे बर्ड्स की ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होगी, यानी चिक्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। जहाँ 20 दिन में चिक्स जो है जो साइज़ होता है वो 10 दिन में ही इनका आपको नज़र आने लगेगा, और हंडिया से यानी मटकी से जो है हम जल्दी चिक्स निकाल लेंगे, ताकि हमारे वाले पेयर जो हैं वो दोबारा ब्रीड पर लग जाए। इंशाल्लाह आगे भी जो है आपको इस चैनल पर हमारे व्लॉग मिलता रहेगा, ठीक है, मुख्तलिफ बर्ड्स की जो है हम आपको प्रोग्रेस भी दिखाते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन भी देते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी, जब तक के लिए फ़िमानिल्ला।